ओके सो क्या हाल चाल है। इधर ना 2 या 3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तुम्हारा भाई बिजी था, ठीक है। तो अब से जो वीडियो आएगा ना, डेली वीडियो आएगा, तो बस आज के इस वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में ए मिक्सिंग वाला सॉन्ग पे कुछ इस टाइप पे वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। ये वाला सॉन्ग काफी तेज से वायरल चल रहा है, आपको पता होगा। तो एक भाई ने कुछ इस प्रकार से वीडियो बनाया, वीडियो को देख से तो इसमें ना 2 इफेक्ट लगाया गया है, ठीक है, जो कि अभी के टाइम काफी वायरल चल रहा है। ए फर्स्ट वाला इफेक्ट कुछ इस प्रकार से अनलिमिटेड लेयर आता है फ्रेम टाइप का, ठीक है। एंड उसके बाद ए वाला गाइस एक बैकग्राउंड में इफेक्ट आता है, तो दोनों इफेक्ट कैसे आपको डालना है वीडियो में ये सिखाने वाला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। तो चलिए बिना देरी के यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ना हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैपकट एप्लीकेशन का यूज करेंगे, एंड इसको चलाने के लिए वीपीएन का जरूरत पड़ेगा। तो प्ले स्टोर से जाके आपको सिक्योर वीपीएन को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। कनेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हम कैपकट को ओपन करेंगे। देन कैपकट कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के ना लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। ए वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता है। तो कैपकट ओपन करने के बाद शो के न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको एक वीडियो को ले लेना होगा, जिस वीडियो में ए वाला इफेक्ट को आप डालने वाले हो। ओके, तो इस भाई का हम नॉर्मल सा वीडियो को ले लिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वीडियो है, ठीक है। वीडियो का देखो, वीडियो में ना कुछ इफेक्ट वगैरह लगाया नहीं गया है, ठीक है। इसी में हम फ्रेम लगा के दिखाने वाले, एंड बैकग्राउंड में ये वाला इफेक्ट को डाल के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। भाई साहब का वीडियो है, मैंने इनसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट किया था, ये वाला अपना वीडियो दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना लास्ट में जो ब्लैक लेयर्स दिखेगा ना, आपको इसको डिलीट कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। म्यूजिक वगैरह लगाने वाले हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ पे शो के ऐड ऑडियो का ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बस यहाँ पे ना हम 2 चीज़ सिखाने वाला हूँ गाइस सर, यही जो गाइस सर इफेक्ट वगैरह लगाया गया है, ठीक है। सो लगाने के लिए गाइस आपको वहाँ पे आ जाना होगा, जहाँ पे गाइस अनलिमिटेड वाले फ्रेम को लगाने वाले हो, ठीक है। मान लीजिए गाइस सर यहाँ पे हम उस फ्रेम को लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे लगाने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे शो का इफेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो नीचे ना यहाँ पे शो के इफेक्ट का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे शो के वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इधर सलाइड करोगे ना तो यही पे एक ऑप्शन मिलेगा रेट्रो करके, ठीक है, 3D के बगल में यहाँ पे शो करा है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे इफेक्ट आपका नहीं लोडिंग हो रहा तो आप डाटा मोबाइल का ऑन कर लेना, और इस वाले एप्लीकेशन को आपको वीपीएन से कनेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तब यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। नीचे सलाइड करोगे यहीं पे मिलेंगे रोलिंग फिल्म्स करके, ठीक है। गाइस सर यही वाला इफेक्ट लगाया गया था सिर्फ लगाने के लिए। सिंपल आप इस पर एक बार टिक करोगे ना तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वाला लेयर फ्रेम में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको लगाने वाले हो तो आप यहाँ से एक बार टिक करके आप लगा सकते हो, ठीक है। देन एडजस्ट करने के लिए सिंपल आप इस पर दोबारा टिक करोगे तो आप यहाँ से ना एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप एडजस्ट कर लेना। करने के बाद यहाँ से ना हम डन करेंगे। डन करने के बाद अगर आप यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाओ ना तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो गाइस सर, ये वाला फ्रेम आ रहा है, ठीक है। सो इस वाले फ्रेम को कुछ इस प्रकार से लगा रहे हो, अभी के टाइम काफी वायरल चल रहा है। अब गाइस सर ये वाला इफेक्ट आपको कैसे डालना है वीडियो में आप देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम लगाएंगे, आपको जहाँ पे लगाना है आप वहाँ पे आ जाना, ठीक है। लगाने के लिए नीचे यहाँ पे शो के बोर्ड इफेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको शुरू से बता दे रहा हूँ कैसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे शो के इफेक्ट का ऑप्शन टिक करेंगे, फिर से बोर्ड इफेक्ट पे टिक करना होगा। थोड़ा सा वेट करोगे यहाँ पे बहुत सारा आपको बॉडी इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। इधर साइड करोगे यही पे एक ऑप्शन शो किया ग्लोइंग लाइंस करके, ठीक है। अगर आपका मोड एपीके न्यू वर्जन का है ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ढूंढना होगा, ठीक है। मेरा वर्ल्ड वर्जन है तो यहाँ पे ग्लोइंग लाइंस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। देन सबसे नीचे आएंगे यही पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है, आपको नाम बता दे रहा हूँ, बस नाम के हिसाब से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, आप देख सकते हो यहीं पे शॉक रहा है इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ लगाने के लिए सिंपल आप इस पे टैप करोगे ना तो यहाँ पे ना ए वाला गाइस सर इफेक्ट ना बॉडी इफेक्ट लग जाएगा वीडियो के बैकग्राउंड में, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देन यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ तक इसका लेंथ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार से ए सब इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो अपने वीडियो में। गाइस सर यहाँ पर बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर गाइस सर एक एक को ट्राई कराएंगे ना तो गाइस सर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा आपको इफेक्ट डालना है वीडियो में। गाइस सर एक इफेक्ट के बारे में और चलिए बता देते हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो गाइस सर ए वाला इफेक्ट काफी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, 3 लेयर वाला, ठीक है। उसको लगाने के लिए वीडियो इफेक्ट पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। आपको बता दूँ और इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा। देन इधर स्लाइड करोगे ना तो यही पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है गाइस सर, यहाँ पर ढूंढ सकते हो स्प्लिट करके, ठीक है। स्प्लिट पर टिक करोगे तो गाइस सर यहाँ पर शो का मिरर 3D, ठीक है। सिर्फ इस पर आप टिक करोगे तो यहाँ पर 3 लेयर में अपने आप वीडियो यहाँ पे आपका बट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ए वाला इफेक्ट को भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। कुछ इस प्रकार से गाइस अपने वीडियो का इफेक्ट वगैरह एनिमेशन वगैरह लगाकर अपने वीडियो को वायरल करा सकते हो, जो कि अभी के टाइम काफी तेज से क्रेज चल रहा है गाइस इंस्टाग्राम रील्स पे। जरूर आपको इस टाइप का वीडियो वगैरह बनाना चाहिए। सो वीडियो को एक्सपोर्ट करो तो ऊपर शो करके यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन सिंपली टिक करोगे तो वीडियो ना यहाँ पे आपको एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देन कैपकट डाउनलोड करने के लिए आपको चले जाना होगा गूगल क्रोम में, जाके सर्च करना होगा कैपकट मोड एपी के। फर्स्ट में जो साइड आएगा उस पर आप टिक करोगे, नीचे सेलेक्ट करोगे, शो करेगा वही पे ना कैपकट डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। तो आप वहाँ से कुछ उस प्रकार से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो कैपकट मोड एपी के। अगर ऐसे भी ना समझ में आया तो आप यूट्यूब पर चले जाना, सर्च करना कैपकट कैसे डाउनलोड करना है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए, किसी वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो के यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सो वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक लव यू, टेक केयर, बाय बाय।